Yes, this is Amit Yadav, your biology teacher. Beta, आज हम स्टडी करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. क्या बताया? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बेटा, वो ग्लैंड्स जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. और वो कैसे हेल्प करती हैं? बाय सीक्रेशंस. और उनके सीक्रेशंस क्या होते हैं? मोस्टली एंजाइम्स. और वो एंजाइम्स की हेल्प से क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो बेटा, यहाँ बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड की. माउथ से स्टार्ट कर लेते हैं इनको. तो सबसे पहले हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड. जैसा कि लास्ट क्लास में बेटा हमने आप लोगों को बताया था कि जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है. क्या? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड. एंड ये बात आप 10th में भी पढ़ चुके हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड. बिकॉज ये जो अपने पास कुछ ग्लैंड्स हैं, देखिए ये ग्लैंड है, अपना सीक्रेशन इस डक्ट के थ्रू छोड़ रही है. बिकॉज दे हैव डक्ट, और आप कहें दीज हैव डक्ट, एंड थ्रू दिस डक्ट दे पोर देयर सीक्रेशंस टू द टारगेट. मीन्स पैरोटिड ग्लैंड हमने कंसिडर किया, तो ये जो है यहाँ पर, ये इसका सीक्रेशन थ्रू द डक्ट पोर कर रही है. इतनी बात क्लियर. अब बेटा हम बात करते हैं जो पैरोटिड ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स में से, इन तीनों में से सबसे जो है बड़ी, वो ये है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड. क्या बताया मैंने? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इज पैरोटिड ग्लैंड. ठीक है. और ये होती कहाँ है बेटा? ये होती है हमारे ईयर के पास. तो हम बताएंगे टुवार्ड्स ईयर. टुवार्ड्स ईयर, ठीक है, हमारे कान की तरफ होती है. ठीक, दो बातें बताइए. तो लार्जेस्ट है, कान की तरफ होती है. और बेटा इसका जो डक्ट है, उस डक्ट का नाम ध्यान रखें बेटा, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है. इसको कहते हैं स्टेंसन्स डक्ट. क्या बोलते हैं इसको? स्टेंसन्स डक्ट. कंसिडर अगेन आई एम सेइंग कि पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है उसका नेम है स्टेंसन्स डक्ट, और इसको पैरोटिड डक्ट भी कहते हैं. एक क्वेश्चन ये बेटा, ये ओपन कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? नियर सेकेंड प्रीमोलर. टीथ होते हैं उनके ऊपर ये ओपन होती है, नियर सेकेंड प्रीमोलर, वहाँ पर ये ओपन होती है. कई बार क्या होता है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है, इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है. क्या हो जाता है? वायरल इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है. तो पैरोटिड ग्लैंड में जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप लोगों ने बेटा पढ़ा भी होगा, सुना भी, देखा भी होगा कि ईयर के पास में हमारे फेस पर स्वेलिंग हो जाती है, और उस समय इसको हम क्या बोलते हैं? मम्प्स, कन्फेड. व्हाट वी कॉल इट इन हिंदी इज कन्फेड. ठीक है. तो ये हो गया वायरल इन्फेक्शन, और वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो पैरोटिड जो ग्लैंड्स होती हैं, वो दोनों ही, दोनों साइड में है बेटा, तो दोनों ही जो है ना, स्वेलिंग हो सकता है दोनों में, और एक में भी हो सकता है. और इसको ना हम मम्प्स कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? मम्प्स. चलिए अगला जो है ग्लैंड हमारा, वो है ये सबलिंगुअल ग्लैंड. सेकंड क्या बताया बेटा? सबलिंगुअल ग्लैंड. ठीक है. तो सबलिंगुअल, सब लिंगुआ, लिंगुआ क्या होती है? टंग. तो बेटा ये है अपने पास टंग. ठीक है. तो टंग के नीचे जो ग्लैंड है, उसको हमने कहा है सबलिंगुअल ग्लैंड. क्या कहा है? सबलिंगुअल ग्लैंड. और ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, इसकी जो ये डक्ट है, इसको कहते हैं डक्ट ऑफ राइविनस. क्या कहा है? डक्ट ऑफ राइविनस. बेटा क्वेश्चन आया हुआ है कि डक्ट ऑफ राइविनस क्या होता है, तो हम ये बता देंगे सबलिंगुअल डक्ट को ही हम क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ राइविनस. ठीक है. और ये अपना सीक्रेशन कहाँ छोड़ती है?
टंग के नीचे इन द ओरल कैविटी। ठीक है, जो थर्ड जो ग्लैंड बच गई वो है हमारे पास, और वो है बेटा क्या, सब मैंडिबुलर और सब मैग्जिलरी ग्लैंड। ठीक है, क्या बताया, सब मैंडिबुलर और सब मैग्जिलरी ग्लैंड। ये हमारी जो लोअर जा है उसके पास होती है नीचे, और ये जो ग्लैंड है ये अपना सीक्रेशंस कहाँ डालती है बेटा, लोअर इंसीजर्स होते हैं उनके सेंटर पर, देखिए सेंट्रल इंसीजर्स होते हैं वहाँ पर ये अपना सीक्रेशन छोड़ती है। इसकी जो ये ग्लैंड है, इसकी जो डक्ट है, इसका नाम क्या है, वार्सन्स डक्ट। मेक इट अंडरलाइन एंड कॉट इट कि वार्सन्स डक्ट होती हैं वो किसकी होती है बेटा, सब मैंडिबुलर और सब मैग्जिलरी ग्लैंड। ठीक है, तो लोअर जा के ऊपर जो है ना ये होती हैं, ठीक है, और जो ये सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड और डक्ट होती हैं ये लिंगुअल और पैरोटिड, इन सभी का कलेक्टिव जो सीक्रेशन होता है, ये भी सीक्रेट कर रही है, ये भी ये जो सीक्रेशन होता है बेटा इसको हम स्लाइवा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्लाइवा। ठीक है, क्या बोल दिया हमने इसको, स्लाइवा। ठीक है, तो जो ये स्लाइवा है ये कितना सीक्रेट करते हैं कुल मिलाकर के, 1 से 1.5 लीटर पर डे, पर डे 1 to 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर पर डे। अब बेटा क्या है कि इस जो सीक्रेशन में कुछ खास बातें होती हैं बेटा, इसका पीएच होता है 6.8। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, स्लाइवा। तो स्लाइवा है, इन सभी का सीक्रेशन स्लाइवा है, 1 से 1.5 लीटर पर डे सीक्रेट होता है। दूसरा, इसका पीएच 6.8 होता है। ठीक है, 6.8। और दूसरी, अब हम बात करते हैं तो इसकी कंपोजिशन में क्या होता है, ध्यान रखें क्या बोला है, इसकी कंपोजिशन में क्या होता है। तो कंपोजिशन मींस क्या क्या इसके अंदर मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, तो इसमें क्या होता है बेटा, वाटर होता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, ये कुछ इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक और होता है HCO2 नेगेटिव, ठीक है, ये सॉरी 2 नहीं 3 नेगेटिव, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। तो ये सारे सारे क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। और ये अब बात आई, यहाँ पर ये आए कहाँ से, समझ गए, तो यहाँ क्या होता है, जो ब्लड प्लाज्मा होता है उससे ये बनते हैं, ब्लड प्लाज्मा से ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं, चाहे वो ग्लैंड कोई भी हो। ठीक है, तो किससे बने ये, ब्लड प्लाज्मा से, ब्लड प्लाज्मा से। ठीक है, ओके। और एक जो मेन जो खास बात है वो क्या है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है बेटा स्लाइवरी अमाइलेज। क्या बताया, स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, और स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम का दूसरा नाम होता है टाइलिन। ठीक है, क्या नाम होता है बेटा, टाइलिन। स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, उसका नेम दूसरा क्या है, टाइलिन। ठीक है, और एंजाइम होते हैं यहाँ पर लाइसोजाइम्स। क्या होते हैं, लाइसोजाइम्स, ये क्या होते हैं, बैक्टीरिसाइडल्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को मारने वाले ये एंजाइम्स होते हैं, तो छोटे से और एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स हो गए। एक और होता है, आयन होता है, जिस आयन का नाम होता है थायोसाइनेट। ठीक है, यहाँ एक आयन होता है जिसका नाम होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थायोसाइनेट आयन। ठीक है, ये थायोसाइनेट आयन, लाइसोजाइम, ये सारे के सारे
इलेक्ट्रोलाइट्स एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन। तो जनरली आप लोगों ने कभी सुना भी हो, देखा भी हो और एक्सपेरिमेंट कर लेना, हम बता रहे हैं आपको। कहीं लगी हुई है आपके पास में, मान लीजिए आपका कोई घाव है, वाउंड है, वो हीलिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करें डेली उसको जो है ना थोड़ा सा आपका जो स्पाइट है प्लेस ओवर दैट हीलिंग पॉइंट और वाउंड, तो क्या होता है बेटा वहाँ पर कुछ दिन में वो रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? इसलिए हमने सलाइवा को एक एंटीसेप्टिक का नाम भी दिया है। ध्यान रहे, सलाइवा को हम एंटीसेप्टिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा देखो इसके रीजन है, ध्यान से सुनना। एक तो क्या बताया मैंने कि इसके कंपोजिशन में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो ये यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनता है वो हाइपरटॉनिक बनता है। कौन सा सॉल्यूशन बनता है? हाइपरटॉनिक। और दूसरा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। जब ये हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है, कोई बैक्टीरिया यहाँ पर पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन इज हाइपरटॉनिक, तो क्या होगा उस बैक्टीरिया में से? एग्जोस्मोसिस, और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? किल। अगला है हमारे पास जो सलाइवरी एमाइलेज, बैक्टीरिया किस पर ग्रो होते हैं बेटा? शुगर पर। और शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या है? शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए अपने पास क्या है? सलाइवरी एमाइलेज, यहाँ पर स्टार्च को तोड़ने के लिए। तो शुगर खत्म हो गई, बैक्टीरिया वैसे खत्म हो गए, एक लाइसोजाइम होता है जो खुद ही एक बैक्टीरियल सेल सॉरी बैक्टीरियसाइडल होता है, बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ करके मारता है। ऐसे ही थायोसाइनेट है, ये भी एक एंटीबैक्टीरियल है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास बेटा ये डाइजेस्टिव ग्लैंड थी, केवल और केवल स्लाइवरी ग्लैंड जो हमने पढ़ी, एक एक्जोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये एक आप लोग जो है ना, जो मैंने चार्ट बनाया था अभी, सॉरी डायग्राम बनाया था, इस डायग्रामेटिकली आप लोग अगर इसको समझते हैं तो कंप्लीट आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी बात बेटा, जो इनकी जो डक्ट्स वगैरह हैं उनका ज़रूर नाम याद रखना, ये नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके, अगर समझ में आया हो तब बेटा बहुत अच्छे से, नहीं आया हो तो आप लोग कॉल करके या फिर जो है कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगला जैसे ही वीडियो डालूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। ओके, थैंक यू टू लिसन मी।